जैसे तार छोटी है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मे अल्लाह पाक सेव अस ऑल फ्रॉम बैड डीड्स एंड इविल आईज, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो आज हम निकल पड़े हैं एक नई एक्टिविटी के लिए और शॉपिंग हंट के लिए, क्योंकि अब मेरे इन लॉस के वापस जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो शॉपिंग हमारी जो है वो पीक पर है। और आज हम आ गए हैं लार्जेस्ट होम स्टोर में, जो कि दुबई फेस्टिवल सिटी में है, और यहाँ हमें शॉपिंग के साथ साथ फुल फ्लेज एंटरटेनमेंट भी मिलने वाली है, मगर पहले शॉपिंग। हाँ, किधर आ रहे हैं आप? लाइए आइकिया। हाँ, ये रहा आइकिया स्टोर। इट्स अ कंप्लीट होम स्टोर और यहाँ पे घर की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि शॉपिंग करने के बाद जब आप थकेंगे तो आप इजीली जो है वो आईकिया की कैंटीन में जाके मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ आईकिया का। आई एम श्योर मेरे साथ साथ आइकिया बहुत सारे लोगों का फेवरेट होम स्टोर होगा। यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स, बेडिंग्स, फर्नीचर फॉर किड्स रूम, इंडोर आउटडोर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर फॉर बेडरूम, स्टडी रूम, लाउंज और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स विद इन योर बजट अवेलेबल होते हैं। और आजकल यहाँ पे अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रही हैं, तो देखते हैं कि मुझे और मेरी मदर इन लॉ को यहाँ पे क्या क्या पसंद आता है। ये कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं। ये एंटी प्लास्टिक के वो हैं डिब्बे। हाँ, ये इस तरह के होंगे, देखने में ऐसे होंगे ढक्कन के साथ। अराउंड 29। लिड के साथ है, लिड के साथ, सारे लिड के साथ हैं। मुझे ना चौबीस डब्बे अच्छे लगे। अच्छा, गोल में बड़ी अच्छी जगह। हाँ, गोल ना बहुत लेती है, गोल बहुत जगह ले जाता है। यहाँ पे ना मैंने किचन की एक टीम बनाई है, ठीक है, उनका सारा सेट किया हुआ है। आपको समझ आता है तो आप इस तरीके से कमरे की टीम बनाई है। राइट साइड मतलब अगर आपको बड़ी को पसंद आया तो आप इस तरह ऑर्डर करने घर से रहेंगे, वो साइज वाइज रहेंगे और इस तरह का बना के दे देंगे। मतलब खुद आके फिक्स करेंगे। आंटी, ये छोटा 25 का, बड़ा 165 का। बहुत महंगा लगा। ये सिटिंग रूम क्या थी ना? लाउंज कितना प्यारा बनाया हुआ था ना। वो घर आएंगे, चेक करेंगे, साइज वाइज लेंगे। अच्छा। और फिर आपको इसी थीम के ऊपर बना देंगे। मगर ये ब्लैक जो है ना, सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में ब्लैक चुभता है। 50 डिग्री में काला। ये सारे डिफरेंट सोफे लगाए हुए हैं, आप सोफे पसंद कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मतलब वैरायटी दिखाई हुई आपको, ये सिटिंग रूम के ऐसा ही होना चाहिए। और एक्चुअली हमारे लाउंज में ना इस तरह के सोफे होने चाहिए थे। हमारे लाउंज में बहुत फॉर्मल सोफ़ा है। यहाँ हम अमेजिंग सोफ़ा सेट्स के पास से गुजर रहे हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि फर्नीचर यहाँ पर आपको हर कलर में अवेलेबल मिलेगा। तो जो भी आपके घर का थीम है आप उस हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आइडियाज भी बड़े मिल जाते हैं डाइनिंग टेबल को सेटअप आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो चीज़ें इतनी कोई क्लास की रखी नहीं है कि बस सिर्फ टेबल ओवल शेप भी देखें टेबल की। ये देखें, हाँ ये सेटअप देखें पूरा। हाँ ये खुल जाती है ऐसे बीच में से। अभी बर्तनों वाला एरिया आगे आएगा। ये टेबलें ये एक्सटेंशन वाली है ना, ये बीच में खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं।
ये एक्सटेंशन वाली टेबल्स हैं, ये तीन भी अच्छी है। अभी ये सारा आ गया आंटी, किचन का सेटअप आ गया आंटी। वो देखा है आपने जिसके ऊपर मैंने वो रखा हुआ है अपना मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है और वो तोड़ के बना ले। हाँ ये तो छोटे साइज की टेबल है ना, मैंने तो चौड़ी वाली मंगवाई हुई थी ना ईशान, ये मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था जो वो जिसमें जूसर मिक्सर ग्राइंडर वगैरह चीज़ें। एक्सटेंशन के साथ हैं, जितनी मर्जी आप उसको बड़ा कर लो, जितना मर्जी आप छोटा कर लो। इसमें चौड़ा वाला भी है, ये देखें नहीं ये तो बड़ा ही है, इसमें मतलब चौड़े भी होंगे, चौड़ा वाला भी होगा, ये मेरे पास तो बड़ा पड़ा हुआ है ना, ये खाएगा, ये सारे छोटे हैं। किचन भी ऐसा ही होना चाहिए ना, फिर ओहो अभी सबके पैसे देने पड़ जाते हैं आपको अगर ये टूट जाता तो। क्यों टूटता, ये चीज देखा स्टैंड्स, ये चीज ये देखिए मैं सॉफ्ट बन रहा हूं, ठीक है जोर से फेंकेंगे यार, मान तो सॉफ्ट हो जाए, जोर से वो इरफान जोर से खोल रहे हैं ना, क्लासी है। 25 कोयले नहीं, कोयले ये किस चीज़ का, ये भी कोयले के लिए, कोयलों के लिए लिखा हुआ है किस चीज़ से, ग्रिल ग्रिल लास्ट टाइम यहाँ पे वो डिशेस लगी हुई थी जो मैंने डिशेस खरीदे थे, ये डिस्काउंटेड नहीं, नहीं हाँ 49 का था 25 का लगाया हुआ। आंटी ये सारा बच्चों का एरिया, बच्चों के बेड्स, बंक बेड, सारा सेटअप, स्टडी टेबल सब बच्चों का। वो तो सेट था ना पूरा, सेट के साथ ही था। ये वॉशरूम का सेटअप पूरा। तो जी एक बार आप आइकिया में एंटर हो जाएं तो आप खाली हाथ तो कभी बाहर नहीं निकल सकते, थोड़ी ही सही मगर आप शॉपिंग ज़रूर करते हैं, और यही कुछ मेरे साथ होता है। जब भी मैं आइकिया आती हूँ कुछ ना कुछ मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़रूर पसंद आ जाता है, मगर खैर आज तो हम पर्पज़ली शॉपिंग के लिए ही आए थे, कुछ चीज़ें हमें पसंद आईं और काफ़ी अच्छी, और हम लोगों ने काफ़ी यूज़फुल चीज़ें जो है वो आइकिया से ख़रीदी, और शॉपिंग करते करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला और हमें भूख भी शदीद लग गई थी, तो बस अब हम आ गए हैं कैफेटेरिया की साइड पे और देखते हैं यहाँ पे हम आज के मेन्यू में इन लोगों ने क्या रखा हुआ है, तो बस कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नान बताइए, कल बना लेंगे आंटी, जुम्मा है ना, इरफान ट्रॉली लूँ क्या, ट्रॉली लूँ एक और, उसमें आ जाएगा सामान सब का, नहीं नहीं क्या पी रहे हो, ऑरेंज जूस, आंटी जूस दूँ आपको, नहीं नहीं मैं आपको डाल के देती हूँ, डाल रही हूँ आंटी के लिए, पीने ऐसी है फ्री पीने यहाँ पे, ये फ्री है, नहीं नहीं छोटा ग्लास 7 धर्म का, बड़ा ग्लास 12 धर्म का, पी के दे देना मुझे पीने से, इनकी 2 रुपए 10 रुपए, हम क्या ले रहे हैं, 2 रुपए ऊपर है 12 धर्म में, बड़ा 7 धर्म में छोटा, नहीं फजूल है आइकिया के कैफेटेरिया में खाने की बहुत वैरायटी थी। खैर हमारे टाइमिंग्स कुछ ऐसे थे कि डिनर तो हमारा घर पे बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत ही यमी सा टी टाइम किया, तो हमने लिए यहाँ से चिकन टेंडर्स, चीज़ क्रोसॉन्ट्स, डायनामाइट प्रॉन्स, स्पेगेटीज, सिनेमन रोल्स और चिकन विंग्स, और उसके साथ हम लोगों ने कॉफ़ी और जूसेस लिए। आंटी लोगों को तो दिलाया, चीज क्रोसेंट भी खाएंगे क्या, तो तुमने अपने लिए लिया, हाँ ये अच्छा है, हाँ ले लो ना प्लेट में रख के, चीज क्रोसेंट का कहाँ है नगर, तो जाओ डलवा के लेके आओ, चलो ये रहा टोकन, टोकन डालो, हाँ क्लिक करें, कॉफ़ी लाटे, हाँ क्लिक करें,
आंटी आइडिया की कैफेटेरिया है क्या का? तो आइकिया की कैफेटेरिया से यमी सा टी टाइम करने के बाद हम चल पड़े थे अपने नेक्स्ट शॉपिंग सेशन के लिए, और हम आ गए थे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में। हमने यहाँ से एक्सटेंशन वायर्स देखी, चार्जिंग बोर्ड्स देखे और काफ़ी सारी चीज़ें और देखी। किस लिए चाहिए? तार की लंबाई के लिए चाहिए या वैसे? माइक्रोवेव जिधर रखा हुआ ना वैसे ही, जैसे सेटिंग बना भी नहीं की हुई है। एक स्विच लगा के आप पूरा सारी सेटिंग कर, सारा कुछ उसी में चलता है। ये सही है, यूएसबी पे आपको नहीं चाहिए? वही कह रही हूं, यूएसबी बाय डिफॉल्ट आ रही है, लेकिन ये है कितने का? उधर और भी बढ़ाना सॉकेट्स और भी बढ़ाना। ये 59 का अच्छी क्वालिटी है। तीन चाहिए आपको? बस ये या ये चाहिए? नहीं नहीं मुझे ये वाला चाहिए। ये इसमें भी यूएसबी है, मतलब किचन में अगर मोबाइल चार्ज करना हो, इसमें अगर आपको मल्टी करना होगा ना, अगर ज़्यादा लगाना है तो फिर एक को 3 लगा के ना उसके साइड पे भी लगा सकते हैं। टेस्ट नहीं करवाना? क्रॉकरी का कुछ सामान हमने ऑलरेडी परचेज कर लिया था, तो बस अब हम कैश काउंटर पर बिलिंग के लिए आ गए हैं, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जाएंगे। दुबई फेस्टिवल सिटी बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही ब्राइट जगह है। यहाँ पर फूड और शॉपिंग के अलावा बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो बस अब उन्हीं में से एक एक्टिविटी हम अपने गेस्ट को दिखाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो जी यहाँ हम पहुँच गए हैं फेस्टिवल बे एरिया में। यहाँ की रौनकें बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। यहाँ बहुत से इवेंट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं, जिनमें से कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूज़िक और फूड फेस्टिवल तो बहुत फेमस हैं, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट लेज़र शो का अपना ही मज़ा है, और एक्चुअली उसी की इंजॉयमेंट के लिए आज मैं अपने इन लॉज को यहाँ लेकर आई हूँ। दुबई फेस्टिवल सिटी के लेज़र शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू देखने को मिलता है, जिसमें लाइट्स और म्यूज़िक को एक साथ कंबाइन करके पेश किया जाता है। शहर की रौनक और हसीन मनाजिर के साथ एक पिक्चर क्रिएट की जाती है, जो कि एक स्टोरी के फॉर्म में होती है। शो में रंग बिरंगी प्रोजेक्शंस भी शामिल की जाती हैं, और देखने वालों के लिए ये शानदार शो हमेशा के लिए एक यादगार बन जाता है। और ये चमकदार शो DFC के फेस्टिवल बे एरिया में हर आधे घंटे के गैप से फ्री ऑफ कॉस्ट पेश किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग दुबई फेस्टिवल सिटी का और आइकिया शॉपिंग का। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिली होगी। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में। सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।